बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को साकार करने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और इसी के चलते प्रशासन के प्रयास भी रंग लाए हैं, जिस कारण बेटियों को समय पर करियर काउंसलिंग करके फायदा हुआ है। हमीरपुर जिला में करियर काउंसलिंग में जिला हमीरपुर में 1800 बेटियों को देकर गुणवत्तापूर्ण काम किया है। यही नहीं, तनाव मुक्त करने के लिए भी 2000 करीब बेटियों को तनाव मुक्त करने के लिए कैंपों का आयोजन किया गया है। वहीं स्कूलों में ही समय पर करियर काउंसलिंग होने से बेटियों ने भी खुशी जाहिर करते हुए काउंसलिंग को फायदेमंद करा दिया है। जिला में आगामी दिनों में जिला कल्याण विभाग के सौजन्य से MBBS, आयुष, वेटनरी, IIT कोर्स के लिए भी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जाएगा। कन्या स्कूल के करियर काउंसलिंग लेने वाली छात्राओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह स्कूल के अंदर करियर काउंसलिंग मिलने पर अच्छा लगा है और जमा दो के बाद करियर चुनने में आसानी रहेगी। करियर काउंसलिंग हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। हम करियर काउंसलिंग से एक राइट पाथ चूज़ करते हैं जो हमारी लाइफ में हमें हमारे फ्यूचर तक, हमारे गोल्स तक पहुंचाता है। करियर हमारा बाय चांस नहीं होना चाहिए, बाय चॉइस होना चाहिए। करियर करियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आर लाइफ। जो हमें करियर काउंसलिंग हुई उसमें हमें ये बताया गया कि हमें अपना जो पाथ है वो अबाउट हमारे फ्यूचर को देख के रखना चाहिए। जो हमारा करियर है वो हम अभी से फोकस्ड होंगे उस चीज़ के लिए, तो हम अपने करियर के ऊपर ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको समझ पाएंगे। एंड अगर हमारा करियर हमारी अपनी चॉइसेस पे होगा तो हम उस चीज़ को ज़्यादा फोकसली करेंगे, ज़्यादा अच्छे से करेंगे और अपनी लगन और अपनी मतलब एक होती है स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर से अपने आप आती है कि ये हमने किया है, ये हमारी हमारी अपनी चॉइस है, तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें करना है ये, तो वो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती है। तो करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इससे हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए और ज़्यादा हमें पता चलता है इसके बारे में कि क्या है। करियर काउंसलिंग से हमारे अंदर हमारी अपनी चॉइसेस, हमारी अपनी चीज़ों को, जिस चीज़ के लिए हमें कौन सा पाथ चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ मिलती है, उसके लिए उसके बारे में हमें पता चलता है। जब करियर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें क्या करियर चूज़ करना चाहिए, किस टाइप का करना चाहिए ताकि हमें कोई आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और इससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें इस करियर इससे जो है स्कूल में करा जाना चाहिए ताकि सारे बच्चों को इसके बारे में पता चले, इन्फॉर्मेशन पता चले। वहीं कन्या विद्यालय हमीरपुर के प्रिंसिपल विजय गौतम ने बताया कि करियर काउंसलिंग से बच्चियों के लिए बहुत फायदा हुआ है और स्कूल में बच्चियों ने करियर काउंसलिंग में बहुत रुचि दिखाई है, जिसे अब जमा दो के बाद बच्चियों को करियर चुनने में आसानी होगी। पाठशाला में बच्चों के हित को देखते हुए, ताकि वो अपना करियर जो है वो ठीक ढंग से चुन सकें, करियर काउंसलिंग फरवरी माह में करवाई गई। उसमें करियर काउंसलर हमने शीतल वर्मा जी को बुलाया था। उन्होंने बच्चों को इसके बारे में कि क्या कैसा करियर वो चुन सकते हैं, उन्हें क्या चुनना चाहिए, उसके बारे में डिटेल से बताया। जहाँ तक मैंने सुना है और पाया, तो मैं ये मानता हूँ कि आज के युग में बच्चे जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल फील्ड अपना रहे हैं, अर्थात बहुत सारे करियर जो हैं वो इस जो ये नई शिक्षा नीति है इसमें और निकले हुए हैं। तो बच्चों को ऐसा करियर चुनना चाहिए जो उनको जीवनोपार्जन के लिए भी सहायता करे और उनके जो है वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम आए। तो हमारे बच्चों ने इसका पूर्ण आनंद लिया, इसको आत्मसात किया और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनको अब करियर चुनने में सहायक होगी, जो बताई गई करियर काउंसलर द्वारा। मैं ये मानता हूँ कि भविष्य में और अच्छे ढंग से बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाए, ताकि बच्चे अपना जो करियर है वो अपने जो विवेकानुसार चुन सकें, अपनी प्रकृति के अनुसार चुन सकें, जिससे उनको अपने जो है वो विवेक को पनपने का एक मौका मिले। जिला कार्यक्रम अधिकारी HC शर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिला में करियर काउंसलिंग में जिला हमीरपुर में 1800 बेटियों को देकर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा किया है।
यही नहीं, तनाव मुक्त करने के लिए भी 2000 करीब बेटियों को तनाव मुक्त करने के लिए कैंपों का आयोजन किया गया है। हमीरपुर जिला में जो छात्राएं बेटियां 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, उनमें से जो मेरिट में काफ़ी ऊपर है, 80% से ऊपर, हमने 1800 बेटियां छात्राएं हैं जिनकी हमने करियर काउंसलिंग का जो है काम इसी वर्ष में पूर्ण किया है। तो यही नहीं, इसके अलावा अलग अलग जिला के अलग अलग खंडों में, विकास खंडों में हमने इनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई लगभग 1800 से अधिक किशोरियां जो है उनके लिए तनाव प्रबंधन का जो है वो कैंप आयोजित करे थे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ अलग अलग प्रकार की हमने की, चाहे इसमें बधाई संदेश देने की बात है। तो इस वर्ष 2021 के दौरान जो है वो 1915 के करीब हमने जो है वो इनका बधाई संदेश भी दिए हैं जिन माता पिता के घर बेटी हुई है। और यही नहीं, हमने जो स्कूलों में जो HB बोर्ड है, बोर्ड में जो जो हमारे जिला की दो काफ़ी उसमें मेरिट में ऊपर रही हैं, इनको हमने 10-10 हज़ार रुपये की राशि जो है भेजी है, दी है इनको बड़े कार्यक्रमों में। इसके अलावा जो 20 कर्नल बेटियां हैं उनको भी हमने 5-5 हज़ार के हिसाब से जो है उनको ये प्रोत्साहन राशि दी है। कार्य योजना हमारे बनने जारी है कि उसमें जो बेटियां प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे कि MBBS है या आयुष है या इसकी तरह से वेटनरी डॉक्टर में कहीं पढ़ रही है या उन्होंने प्राप्त कर ली है डिग्री ऐसे, या IIT है, इस तरह के कोई प्रोफेशनल उसमें आपने इंजीनियरिंग या किसी और उसमें जो है वो पढ़ रहे हैं, और उन बेटियों को भी हमने सोचा कि उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे और उनको भी जो है कैश प्राइज जो है आने वाले जो वर्ष है उसमें हम ऐड करके उनको करेंगे। और हम ज़्यादा बल उसमें करियर काउंसलिंग के ऊपर और ये HB टेस्टिंग के ऊपर जो है हमारा रहेगा। वहीं CDPO बलवीर बिरला ने बताया कि बेटियों की करियर काउंसलिंग के लिए कैंपों के माध्यम से तैयारी करवाई है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के दौरान प्रोफेशनल काउंसलर की मदद ली गई है। 10वीं और 12वीं के बाद बेटियों को कैसे करियर चुनना है इसके लिए काउंसलिंग के दौरान जानकारी मुहैया करवाई है जिससे अपना भविष्य संवार सके। बिरला ने बताया कि बेटियों ने भी काउंसलिंग लेने के बाद बढ़िया जानकारी मिलने पर धन्यवाद किया है। विकास खंड हमीरपुर में जो है 4 कैंपों के माध्यम से जो है 200 लड़कियों को हमने इसमें कवर किया है। इसके लिए हमने जो है जो हमारे प्रोफेशनल काउंसलर हैं मैडम शीतल वर्मा जी, उनके हमने सहयोग से गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में 100 लड़कियां तथा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुरियाणी में 100 लड़कियों को कैरियर काउंसलिंग का दिया। जैसे मैट्रिक के बाद जो है वो पॉलिटेक्निक वगैरह में जाती हैं या प्लस टू के बाद जो है नीट है, JEE मेन है, JEE है या कोई अन्य है, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनका लोगों ने जो है वो सुना नहीं होता है, लेकिन कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हमने उन बच्चियों को वो सारी जानकारी दी कि प्लस टू के बाद जो है उन्होंने अगर कैरियर चुनना है तो उसके लिए जो है वो किस स्ट्रीम में जो है वो क्या क्या कोर्सेज हैं। कभी देखा गया है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स रहते हैं कहते हैं कि उनके लिए जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मेडिकल वालों के लिए अक्सर पहले एक ही ध्यान रहता था जी कि वो डॉक्टर लाइन में जाएंगे, अभी बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज है, लाइफ साइंसेज कोर्सेज है। तो ये सारा जानकारी जो है जब हमने बच्चियों के साथ साझा की तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने कहा कि ये जो है
है, हमें इससे ये पता लगा कि हम और क्या कर सकते हैं। नहीं तो लड़कियों के मन में एक ही भ्रांति रहती है कि या तो वो नर्स बनेंगी या डॉक्टर बनेंगी, लेकिन जो और कोर्सेज थे उनके बारे में उन्होंने नहीं सुना था। उसके बाद हमारे पास डिमांड आने लगी है हर स्कूल से कि जी आप ऐसे ऐसे शिविर जो है वो हमारे यहाँ भी लगाइए। तो 2021-22 का जो हमारा बजट रहेगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि उसको जो है वो और स्कूलों में भी जोड़ें, ताकि जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि एक बेटी को हमने सशक्त बनाना है, बेटी को पढ़ाना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो समाज में जो है अपना स्थान अलग से बना सके। गौरतलब है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन के द्वारा हमीरपुर जिला में 1915 अभिभावकों को बेटी पैदा होने पर बधाई संदेश देने भी गए हैं, तो 22 के करीब स्कूल बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आने वाली बच्चियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की है। आगामी दिनों में ही जिला कल्याण विभाग के सौजन्य से MBBS आयुष वेटनरी IIT कोर्स के लिए भी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया जाएगा। इस काम को भी करियर काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा।